जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहां पर इंडियन रेलवे नए नए रूट्स को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है और इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां पर 3 नए रूट को इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और इसी के बारे में हम कम्प्लीट डिटेल बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों मेरा गला खराब होने की वजह से मेरी आवाज थोड़ी सी आपको बदली बदली सी लग सकती है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लें इन तीनों वंदे भारत के रूट के बारे में। तो दोस्तों इन तीनों वंदे भारत ट्रेन में सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से नागपुर के बीच में चलने वाली है। हालांकि दोस्तों सिकंदराबाद से नागपुर वाला जो रूट है वो कोई नया रूट नहीं है वंदे भारत ट्रेन के लिए। इस पर इंडियन रेलवे पिछले 2 महीने से ही प्लानिंग कर रही है वंदे भारत को उतारने के लिए और अब इस पर वंदे भारत ट्रेन को उतारने के लिए इंडियन रेलवे काफी तेजी से काम कर रही है। दोस्तों सिकंदराबाद से नागपुर का टोटल डिस्टेंस है लगभग 575 किलोमीटर और सिकंदराबाद से नागपुर जाने के लिए आपको कई प्रीमियम ट्रेनें भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हम एवरेज ट्रेवल टाइम की बात कर लें कि नॉर्मल ट्रेनें जो अभी फिलहाल इस रूट पर चलती है वो कितना समय लेती है इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए, तो फिलहाल सिकंदराबाद से नागपुर जाने में 8.5 से 10 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को सिकंदराबाद से नागपुर आने जाने में यानी कि 575 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6.5 से 7 घंटे का ही समय लगने वाला है। यानी कि ट्रेवल टाइम में आपको 2 से 3 घंटे का कटौती देखने को मिल जाएगा सिकंदराबाद से नागपुर वाले रूट पर। और एक बहुत ही तेज ट्रेन की सुविधा सिकंदराबाद से नागपुर के बीच में भी अब आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात कर ले दूसरे रूट की, तो ये रूट के बारे में आप सभी जानते होंगे और ये रूट भी सिकंदराबाद से ही शुरू होने वाला है और ये ट्रेन सिकंदराबाद से बेंगलोर के बीच में चलने वाली है। यानी कि काचेगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत ट्रेन भी आपको सिकंदराबाद से बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद से बेंगलोर तक ये वंदे भारत ट्रेन लगभग 618 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और जहां नॉर्मल ट्रेनों को इस दूरी को पूरा करने के लिए लगभग 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है, वहीं हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को सिर्फ 8 घंटे का ही समय लगेगा हैदराबाद से बेंगलोर आने जाने में। और इस ट्रेन में आपको 8 कोच वाला रेल देखने को मिल सकता है। और यहां पर हम तीसरे रूट की बात कर लें, तो ये रूट बिल्कुल ही नया अभी निकल के आया है फ्यूचर वंदे भारत ट्रेनों की लिस्ट में और ये रूट भी सिकंदराबाद से ही शुरू होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिकंदराबाद और पुणे के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। सिकंदराबाद से चलकर पुणे को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आपको सिकंदराबाद से बहुत जल्द ही देखने को अब मिल जाएगी। बात कर ले दोस्तों डिस्टेंस की, तो सिकंदराबाद से पुणे का टोटल डिस्टेंस है लगभग 596 किलोमीटर और इसे 596 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नॉर्मल ट्रेनों को 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन हमारी सिकंदराबाद और पुणे के बीच में चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को मात्र 7.5 घंटे का ही समय लगने वाला है। और दोस्तों इस रूट पर ऑलरेडी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इसके साथ ही दोस्तों हाईटेक सुविधा से लैस वंदे भारत ट्रेन का भी ऑप्शन अब आपको सिकंदराबाद से पुणे के बीच में देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों ये तीनों वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद को ही मिली है और इन तीनों ट्रेनों को लॉन्च करने के लिए इंडियन रेलवे काफी तेजी से तैयारी कर रही है। और दोस्तों बात कर ले तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन अभी चलती है जिसकी लॉन्चिंग इसी साल जनवरी के महीने में हुई थी। और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 120% से भी ज्यादा है और यही रीजन है कि तेलंगाना को ये तीनों वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे देना चाहती है ताकि इंडियन रेलवे भी इन ट्रेनों के जरिए एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर पाए। साथ ही दोस्तों तेलंगाना में एक बेटर कनेक्टिविटी इन तीनों ट्रेनों की वजह से मिल पाएगी। साथ ही दोस्तों तेलंगाना की राजधानी सिकंदराबाद को 3 अलग-अलग बड़े शहर से ये तीनों वंदे भारत ट्रेन जोड़ने वाली है। दोस्तों नागपुर और बेंगलोर सेक्शन पर इसको लेकर ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है, जबकि पुणे रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेने की संभावना भी जताई जा रही है कि शताब्दी एक्सप्रेस को ये ट्रेन पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। हालांकि ये शताब्दी भी बंद नहीं होगी, ये शताब्दी भी वंदे भारत ट्रेन के साथ ही चलेगी और इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि SCR ने ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलाने के लिए इन मार्गों पर अपने रेल नेटवर्क को भी पहले से ही अपग्रेड कर लिया है। यात्री काचेगुड़ा से यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह 2 IT केंद्रों हैदराबाद और बेंगलोर को जोड़ने वाली है। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि सिकंदराबाद से चलने वाली इन तीनों वंदे भारत का इनॉग्रेशन हमें आखिर कब तक देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें और कितना वेट करना पड़ सकता है इनॉग्रेशन देखने के लिए, तो देखिए यहां पर इन तीनों वंदे भारत ट्रेन में से 2 वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको आने वाले सितंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगी। पहला रूट है यशवंतपुर से काचेगुड़ा वाला, हालांकि इस रूट पर लॉन्चिंग अगस्त के महीने में ही होने वाली थी लेकिन अगस्त के महीने में तो लॉन्चिंग इस रूट पर नहीं हो पाई, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में इस पर लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दूसरा रूट है सिकंदराबाद से नागपुर वाला और ये रूट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियन रेलवे सिकंदराबाद से नागपुर के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन को सितंबर महीने में ही उतार सकती है। इसके साथ ही दोस्तों सिकंदराबाद से पुणे के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा इसके कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से सिकंदराबाद को ये तीन नई वंदे भारत ट्रेन का तोहफा लगभग दिया जा चुका है और इंडियन रेलवे ने अभी तक इन्हें तीनों रूट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और इन सभी रूटों को लेकर कुछ भी नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।